बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है। पर्दे पर दोनों के बीच जितनी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है, असल जिंदगी में भी अमिताभ और हेमा उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल की शादी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से कराना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते से ईशा ने साफ इनकार कर दिया था। इस बात का खुलासा ईशा देओल ने करण जौहर के शो में किया था। यह किस्सा साल 2005 का है, जब अभिषेक बच्चन की लाइफ में ऐश्वर्या की एंट्री हुई थी। वहीं ईशा देओल की जिंदगी में भी प्यार का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त हेमा मालिनी ईशा के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही थी। शो में जब करण ने ईशा से उनकी शादी को लेकर पूछा कि आपकी माँ अभिषेक बच्चन जैसा दामाद चाहती है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, इसी का जवाब देते हुए ईशा देओल ने कहा कि मेरी माँ सच में बहुत प्यारी है। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया क्योंकि इस समय वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। ईशा ने कहा कि वो चाहती है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक बच्चन ही सबसे बेस्ट लगते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती। इसके साथ ही ईशा ने अपने इस फैसले की वजह भी बताई थी। ईशा ने कहा था कि वो अभिषेक को अपना बड़ा भाई मानती है, इसलिए ऐसी कोई बात वो सोचती भी नहीं है। आपको बता दें कि ईशा ने एक मशहूर बिजनेसमैन से शादी की है। उन्होंने साल 2012 में भरत तख्तानी के साथ सात फेरे लिए थे। दोनों एक दूसरे को स्कूल के वक्त से जानते थे।